हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया है, पूछा ये JDFJS, कुछ उन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, बट क्वेश्चन बहुत सही है और काफ़ी आई थिंक लोगों को जानना चाहते होंगे कि वो कहते हैं कि हमें ड्रोन गिफ्ट में मिल गया। तो ही सेइंग आई गॉट अ ड्रोन एज ए गिफ्ट बट इट वॉज परचेज इन बार्सिलोना, कहीं बाहर से लिया है, बाहर से गिफ्ट हुआ है उनको और वो DJI Air 2S है, दैट मीन्स माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है। सो डू आई नीड टू रजिस्टर, उनका क्वेश्चन नंबर वन। सिंस इट्स माइक्रो कैटेगरी आई एम फ्लाइंग इट फॉर फन टू टेक शॉट्स, इट डजेंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया। सिर्फ हम आज दो कैटेगरीज की बात करेंगे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए, हमारे मतलब के सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, एक है नैनो और एक है माइक्रो। देखिए, दो कैटेगरीज हैं, नैनो ड्रोन एंड माइक्रो ड्रोन, दोनों अपने पर एप्लीकेबल हैं। अगर आपको बहुत हाई एंड अच्छे से शॉर्ट सिनेमेटिक चाहिए तो आप माइक्रो कैटेगरी में जाएं। अगर आपको ज़्यादा शौक नहीं है भाई, वो 12 बिट की और 10 बिट का वीडियो एंड शो शाह ज़्यादा नहीं है, पर एक डिसेंट वीडियो चाहिए, तब आपको नैनो कैटेगरी में भी बहुत अच्छा ड्रोन आ गया DJI Mini 3। तो नैनो कैटेगरी क्या है, 250 ग्राम से नीचे वाले जितने भी ड्रोन्स हैं वो नैनो कैटेगरी में आते हैं। तो अब तक मिनी सीरीज से पहले मैं कहूँगा जितने भी ड्रोन हैं वो सब बकवास थे, ना तो उनकी फुटेज ढंग की थी, जस्ट यूजलेस फुटेज। बट जैसे ही ये मिनी सीरीज लॉन्च हुई, उसके बाद लेटेस्ट अब जो मिनी 3 हुआ है, इसमें आपको 4K भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऑटोमेटिक शॉट्स भी मिलेंगे और आपको एक बहुत अच्छी सी फुटेज मिल जाएगी विदाउट एनी झंझट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आगे नैनो कैटेगरी में, नैनो कैटेगरी में आप एक सॉलिड ड्रोन मान के चलो, दैट इज़ Mini 3 Pro। अगर आपके यहाँ Mini 3 Pro है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको फुटेज भी बढ़िया मिलेगी, आपको रजिस्ट्रेशन की भी लोड नहीं है, बिंदास उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं Mini 3 को काफ़ी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिगनर भी हैं, अगर आप एक वेडिंग वाले भी हैं, शूट सिनेमेटोग्राफर भी हैं, हर एक के लिए बढ़िया है वो, क्योंकि उसमें कोई टेंशन है ही नहीं ना। कोई पूछेगा कि भाई देखो नैनो ड्रोन है, देख लो उसके डब्बे पे भी लिखा हुआ 250 ग्राम का है, कोई इशू नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन उसे नहीं करानी, ठीक है नंबर। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि ड्रोन्स हैं आपके 250 ग्राम से 2 kg के बीच में, यहाँ पर आता है माइक्रो कैटेगरी। तो इसमें आपका फैंटम, मैविक एयर 2S, ये जितने भी महंगे ड्रोन हैं और जो हमारे मतलब के कंज्यूमर ड्रोन्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब इनमें आपको कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, कुछ आपको करने के लिए क्रिएटिव ज़्यादा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन ये आप क्योंकि माइक्रो कैटेगरी में आ गए हैं तो इसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आप फन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इसको वेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, चाहे इसको आप यूट्यूब वीडियोस के लिए शूट कर रहे हैं, चाहे इसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर इट इज़ इन द माइक्रो कैटेगरी मीन्स इट इज़ मोर देन 250 ग्राम्स, देन यू हैव टू रजिस्टर इट। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो फन एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो गिफ्ट मिला है। नो, इफ़ इट इज़ अबव 250 ग्राम्स, इट इज़ इन द माइक्रो कैटेगरी, ये माइक्रो कैटेगरी अंदर है, और अगर माइक्रो कैटेगरी अंदर है तो आपको इसका UN नंबर लेना पड़ेगा। अब उसमें सवाल उठता है कि वहाँ पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे वो हमसे DAN नंबर एंड वो मांगते हैं, वो मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, आप फिर बता रहा हूँ कि लिस्टिंग फेसेस में होती है, एक दो फेसेस की हो चुकी है, नेक्स्ट फेस की अभी होगी, जब भी होगी मैं आपको अपडेट दे दूँगा, पहले वो लिस्टिंग करवाएं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया है, अगर ये सिस्टम हट जाएगा, लिस्टिंग वाला पंगा ख़त्म, तो सीधा आप जाएं अपना सीरियल नंबर डालें, वो अभी हुआ नहीं है, मे भी हो जाए, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, तो वो लिस्टिंग वाला पंगा ही ख़त्म हो जाएगा, तो सीधा आपको अपना सीरियल नंबर डालना है, फोटोग्राफ डालनी है एंड रजिस्टर कराना है फीस भर के। तो माइक्रो कैटेगरी अबव 250 ग्राम्स एंड यू नीड रजिस्ट्रेशन, बट लाइसेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। और सेकेंड कैटेगरी हमारी नैनो है, बिंदास उड़ाइए, नो नीड टू रजिस्ट्रेशन। तो ये एक शॉर्ट अपडेट था, मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको कि यही दो कैटेगरीज अपने मतलब की हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज में सारे ड्रोन्स आते हैं और इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन के पंगे से हटना है तो Mini 3 Pro लो और बिंदास उड़ाओ। अगर आपको थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा करना है, कुछ ज़्यादा चाहिए, 60 फ्रेम पर सेकेंड में भी आपको 4K चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ़, बहुत ज़्यादा रेंज चाहिए, देन कम टू माइक्रो कैटेगरी एंड देन यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है। क्लियर मैंने कर दिया आपको, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप एक अपग्रेड करने वाला हूँ अपने छोटे से स्टूडियो की, जैसे आप, वैसे मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, कैमरा चेंज हो चुका है, माइक्रोफोन चेंज हो चुका है,
आपको पता लग रहा होगा। अब एक मेजर चेंज मैं करने वाला हूँ लाइटिंग का। यस, गोडॉक्स का लार्टेन मेरे पास आ चुका है और दिस इज़ यू नो काफ़ी मैंने वीडियो देखे हैं, आपको भी पता लगेगा फ़र्क। एंड लाइट इज़ अवेटेड, मॉडिफायर आ चुका है एंड देन यू विल सी अ गुड चेंज इन, क्योंकि लाइट इज़ यू नो आप सबको मालूम है दिस इज़ टेक चैनल ऑल्सो यू नो, तो वो भी मैं अनबॉक्सिंग इस पर दिखाऊँगा आपको, फिर आप फ़र्क देखना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।